أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today the date is 20th April 2021 and the day is Tuesday. Welcome in science lecture of class 2. Our today's task is unit number 5. Bookwork and words meaning. Let's start from the bookwork. Unit number 5, page number 37. Question number 1. Which of these would be useful for the wild animals that eat deers? इनमें से कौन सा उस जंगली जानवर के लिए मुफीद होगा जो डियर को खा सके? कौन सा है डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, यानी उसमें क्या क्या खूबी होनी चाहिए? एबिलिटी टू रन फास्ट, वो अच्छी तरह से भाग सके, वो अच्छी तरह से मूव कर सके, उसके अच्छे से लंबे उसके पंजे और दांत होने चाहिए ताकि वो डियर को खा सके. तो ये तमाम हॉबीज़ होनी चाहिए एक वाइल्ड एनिमल के लिए जो डियर को खा सकेगा. सेकेंड क्वेश्चन, विच थ्री ऑफ दीज कैन कम फ्रॉम हैन, इनमें से कौन सी तीन चीज़ें मुर्गियों की होती हैं? ए ऑप्शन है मीट, मुर्गी से गोश्त भी हासिल होता है. बी ऑप्शन एग्स भी हासिल होते हैं. और सी ऑप्शन इसके फेदर्स भी यानी पर भी होते हैं, लेकिन मिल्क इससे हासिल नहीं होता. तो ए बी और सी तीनों इसके आंसर होंगे. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज एनिमल्स इज़ अ स्क्वेंजर, इनमें से कौन सा मोहतर जानवर है? सी ऑप्शन है वोल्चर. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज हैव वेब्ड फीट, इनमें से किसके चिपटे पाँव होते हैं? ए ऑप्शन है डक्स. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज इज़ अ वाइल्ड एनिमल, इनमें से कौन सा जंगली जानवर है? सी ऑप्शन है बियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको यूज़ करते हुए आपने ब्लैंक्स को फिल करना है. क्वेश्चन नंबर 1 है वी गेट सिल्क फ्रॉम अ डैश, हम सिल्क किससे हासिल करते हैं? सिल्क वर्म से. क्वेश्चन नंबर 2, अ डैश इज केप्ट एज अ पेट, इट कैट्स माइस, डैश को हम पालतू जानवरों के तौर पर रखते हैं और ये चूहे पकड़ती है. क्या? बिल्ली चूहे पकड़ती है, कैट. थर्ड क्वेश्चन, अ डैश ले एग्स, डैश अंडे देती है, हैन मुर्गी. क्वेश्चन नंबर 4, वी गेट वूल फ्रॉम डैश, हम ऊन डैश से हासिल करते हैं, शीप भेड़ से. क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉग्स एंड फिश आर सिमिलर बिकॉज बोथ ले डैश इन वाटर, जो मेंढक और मछली होती हैं वो सेम होती हैं, मिलती जुलती होती हैं, क्योंकि वो दोनों पानी में डैश देती हैं एग्स अंडे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज़ अबाउट अ फ्रॉग, फ्रॉग के बारे में आपने ये तमाम मालूमात को फिल करना है. क्वेश्चन नंबर 1, अ फ्रॉग लिव्स इन डैश, जो मेंढक होती है वो डैश में रहती है. एयर वाटर लैंड, लैंड एंड वाटर, ये दोनों चीज़ों पे रहती है, ज़मीन पर भी और पानी पर भी, लैंड एंड वाटर. इट हैज़ डैश लिम्स, इसके डैश पाँव होते हैं, फोर, हाथ और पाँव कितने होते हैं? फोर होते हैं. इट्स स्किन इज़ डैश, इसकी जो जिल्द होती है वो डैश होती है. बम्पी एंड वेट, पटखने वाली और गीली इसकी स्किन होती है. क्वेश्चन नंबर 4, इट डैश अ नेक, इसकी गर्दन डैश, डज नॉट हैव, इसकी गर्दन नहीं होती. क्वेश्चन नंबर 5, इट ईट्स डैश, ये क्या खाती है? फ्लाइज, मक्खियाँ. क्वेश्चन नंबर 6, इट डैश, ये क्या करती है? क्रॉक्स, डराती है. क्वेश्चन नंबर 7, बेबी फ्रॉग इज कॉल्ड, जो बच्ची होती है फ्रॉग के उनको डैश कहते हैं, टैडपोल्स, टैडपोल्स कहते हैं उन्हें. क्वेश्चन नंबर 5 में इन इंफॉर्मेशन को गेस करना है और बताना है कि ये कौन से एनिमल्स हैं. जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, एन एनिमल विद अ हम्प ऑन इट्स बैक, कौन सा ऐसा जानवर है जिसकी कमर पे एक बहुत बड़ी हड्डी होती है? कैमल, कैमल होता है ऊंट. नेक्स्ट है एन एनिमल विद हॉर्न, सींगों वाला कौन सा जानवर होता है? गोट या डियर. थर्ड क्वेश्चन, एन एनिमल विद क्लॉज, पंजू वाला कौन सा जानवर होता है? लायन. फोर्थ क्वेश्चन, एन एनिमल विद टस्क, सोंड वाला कौन सा जानवर होता है? एलिफेंट. फिफ्थ क्वेश्चन, एन एनिमल विद फर, नर्म खाल वाला जिल्द वाला कौन सा जानवर होता है? कैट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आपने कॉलम्स को मैच करना है, यानी कि ट्रंक है वो किस लिए यूज़ होता है? ट्रंक को मैच करेंगे ई वाली ऑप्शन के साथ, फॉर बैलेंसिंग ऑन ब्रांच, झाड़ियों में अपना बैलेंस मतवाजन रखने के लिए यूज़ किया जाता है. नंबर 2 है फर, खाल, नरम खाल किस लिए यूज़ होती है, किस काम आती है? फॉर कीपिंग वार्म, गर्म रहने के लिए. थर्ड फिन, फिन किस लिए यूज़ होते हैं? फॉर स्लाइडिंग थ्रू द वाटर ईजिली, पानी में अच्छी तरह से मूव करने के लिए फिन्स यूज़ होते हैं. फोर्थ है ऑर्न्स, जो सींग होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं? ए के साथ मैच करना है, फॉर फाइटिंग. फिफ्थ है टेल, धुन किस लिए यूज़ होती है? इसको सी के साथ मैच करना है, फॉर ग्रेस्पिंग, ब्रीथिंग एंड प्रोड्यूसिंग साउंड्स.
नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ एनिमल्स के नेम दिए गए हैं और नीचे दो कॉलम बनाए गए हैं. फर्स्ट कॉलम विल लिव इन वाटर, जो उनसे जानवर पानी में रहते हैं उनको फर्स्ट कॉलम में लिखना है, और जो पानी में नहीं रहते उनको सेकंड कॉलम में लिखना है. जैसे कि फर्स्ट एनिमल है लिजर्ड, छिपकली, ये पानी में नहीं रहती तो इसको सेकेंड वाले कॉलम में लिखेंगे. रैबिट, खरगोश, ये भी पानी में नहीं रहता, इसको भी सेकेंड कॉलम में लिखेंगे. गोल्ड फिश यानी सुनहरी मछली, मछली पानी में रहती है, इसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे. इसी तरह से आपने इन तमाम जानवरों को कॉलम्स में फिल करना है. बुक वर्क इज़ कम्प्लीटेड. नाउ लुक एट द वर्ड्स मीनिंग. यूनिट नंबर 5, एनिमल्स. वर्ड्स मीनिंग, अर्थ मीन ज़मीन, लिव मीन जिंदा रहना, विल्ड जंगली, डोमेस्टिक घरेलू, और फॉर्म्स क्या होते हैं, खेत, खेतों. नाउ लेक्चर हैज़ बीन कम्प्लीटेड. नोट डाउन द डायरी. यूनिट नंबर 5, वर्ड्स मीनिंग और बुक वर्क आपने याद करके उसकी एचए करनी है. सुबहानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका वातूबु इलैक. अल्लाह हाफिज़.